आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त मंच ने दुर्ग के हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की, साथ ही अपनी 6 सूत्रीय लंबित मांगों को पूर्ण करने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। शासकीय योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ पिछले लंबे समय से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में सोमवार को अपने तीसरे चरण के आंदोलन में दुर्ग संभाग आयुक्त के दफ्तर के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अपनी मांग को लेकर आगामी चुनाव में आंगनबाड़ी महिलाओं की ताकत दिखाने की चेतावनी दी। वहीं आज इस धरना प्रदर्शन में दुर्ग संभाग सहित बस्तर व सरगुजा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने साफ कर दिया कि अगर समय रहते प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार को उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग की। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जो मुख्य तो हमारे शासकीय कर्मचारी घोषित करने तक हमको कलेक्टर दिया जाने वाले, जो बात शासन ने जो किया था वादा वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बढ़ोतरी के जगह में उल्टा घटौती में जा रहे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि हम सरकार बढ़ाने के लिए बनाए हैं या घटाने के लिए बनाए हैं। आज तक हम लोग आए दिन कार्यकर्ता है छोटी छोटी मांगों को भी लेके जाते हैं, वो भी पूरा नहीं होता है। और शासन का ये 4th साल है और उनका अभी तक 1 रुपया भी हमारे लिए बढ़ोतरी की बात तो क्या हमारा सुनने तक को तैयार नहीं है। तो या फिर हम चुनाव गलत हुआ है ये हम मान रहे हैं, बाकी सरकार को चुनने वाले भी गलत करने वाले भी हम ही हैं। हम अपने आप को दोषी मानेंगे क्योंकि बनाने से पहले हमको ये समझ में नहीं आया था कि ये सरकार हमारे साथ इतना बड़ा गद्दारी करेगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें जो सुपरवाइजर पद है उसमें 100% कार्यकर्ताओं को लिया जाए, चिकित्सा भत्ता दिया जाए, पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के जो रिक्त पद में है उनको निशर्त लिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे अगर सरकार अभी भी अनदेखा अनसुना करती है तो 17 नवंबर को रायपुर में हमारे प्रांतीय स्तर पर एक दिन का संभागी धरना रैली के पश्चात, उसके बाद भी अगर सरकार की अनदेखा हम देखते हैं तो अनिश्चितकालीन पूरे संयुक्त मंच अनिश्चितकालीन में बैठ जाएंगे। स्तर में 4th चरण में रैली धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ विभिन्न संभाग के लोग पहुँचे ही हैं और विभिन्न जिलों से भी पहुँचे हैं, जैसे बस्तर है बकांजूर है और बेमेतरा है, नाथगांव है, यहाँ से सब पहुँचे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।